और दोस्तों आखिरकार वो घड़ी आ चुकी है जिसका हम सभी रेल फैंस को और यात्रियों को इंतजार था। दोस्तों रेल फैन में सबसे फेमस और जिसमें सबसे ज्यादा यात्री ट्रैवल करते हैं ऐसी ट्रेन मुंबई पुणे डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस अपनी सेवाएं वापस से रिज्यूम करने के लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल रेलवे द्वारा ये अनाउंस किया गया है उनके ट्विटर हैंडल पर कि 9 अक्टूबर से वापस से डेक्कन क्वीन एक्सप्रेस अपनी सेवाएं देंगी। तो दोस्तों ये ट्रेन वापस से शुरू होने जा रही है और आप इसकी बुकिंग IRCTC वेबसाइट पर बुकिंग कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें खास बात यह है कि ये एज अ स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी। तो दोस्तों इसका एक बार से मैं आपको नंबर बता देता हूँ, ये मुंबई से चली गया एज ए 02123, ये पहले चला करती थी एज अ 12123, और ये पुणे से चली गया एज अ 02124, और ये पहले चला करती थी एज अ 12124। सो दोस्तों यही सिर्फ डिफरेंस है, इसके अलावा इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कंफर्म टिकट है तभी ही आप इस ट्रेन से सफ़र कर सकते हैं, इसमें जनरल क्लास का डब्बा नहीं लगेगा, ये बात आप नोट कर लीजिएगा। और दोस्तों इसके अलावा और एक ट्रेन है जो मुंबई और पुणे के बीच में चलाई जाएगी, वो है इंद्रायणी एक्सप्रेस। दोस्तों वो भी अपने समय के मुताबिक चलेगी। और दोस्तों इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो मुंबई से लेकर सोलापुर के बीच जो ट्रेन चलती है सिद्धेश्वर एक्सप्रेस, उसको भी एज अ स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। और दोस्तों जो मुंबई से लेकर गोंदिया के बीच चलती है विदर्भ एक्सप्रेस, उसको भी एज अ स्पेशल ट्रेन चलाया जाएगा। और सबसे लास्ट में जो ट्रेन है वो है मुंबई से लेकर नागपुर को जो चलती है दुरंतो एक्सप्रेस, उसको भी आज स्पेशल दुरंतो चलाया जाएगा। सो दोस्तों ये टोटल 5 ट्रेनें हैं जिनको 9 अक्टूबर से शुरू किया जा रहा है इंडियन रेलवे द्वारा। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये, खास करके महाराष्ट्र के लोगों के लिए और जो सफ़र करते हैं मुंबई से पुणे। सो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताना ना भूलिएगा। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो के बारे में या इन ट्रेन्स के बारे में कुछ और जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। सो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और एक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और मैं मिलता हूं आपसे ऐसे ही नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।